रांची के काकिया स्थित मुख्यमंत्री आवास की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। फायर ब्रिगेड, वाटर कैनन मंगवा लिया गया है। महिला पुलिस कर्मियों की भी तैनाती है। जस्टिस एलपीएन सहदेव चौक से राम मंदिर चौक तक सुरक्षा कर्मी मौजूद है। एडीएम लॉ एंड ऑर्डर एसपी सुरक्षा का जायजा लेने पहुंचे। तो हेमंत सोरेन से आज पूछताछ होनी है ईडी के द्वारा। आपको बता दें कि सीएम आवास के बाहर सुरक्षा पुख्ता कर दिया गया है और आपको बता दें कि सीएम आवास से ईडी ऑफिस तक 900 पुलिस बलों की तैनाती की गई है। महिला जवानों की भी तैनाती की गई है। सभी 900 अतिरिक्त पुलिस अधिकारी जवानों की तैनाती है। जमीन घोटाले में सीएम से पूछताछ आज होना है। आपको बता दें कि 12 बजे ईडी के अधिकारी सीएम के आवास पहुंचेंगे और उनसे सवाल जवाब होगा जमीन घोटाले मामले को लेकर। जो है जो सुरक्षा के पर्याप्त व्यवस्था किए गए हैं कि कभी किसी तरह का समस्या का सामना होगा तो बेसिकली सभी बिंदुओं पे हम लोगों ने फोर्स का डिप्लॉयमेंट पर्याप्त बल हम लोगों ने किया है और किसी भी व्यक्ति को अपने हाथ में कोई भी कानून लेने का अधिकार नहीं है और विधिवत रूप से सभी तरह का जो है कार्रवाई पुलिस के द्वारा। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हम सीधा जुड़ते हैं हमारे संवाददाता सत्यव्रत से जो कि अभी सीएम आवास के बाहर मौजूद है। सत्यव्रत, क्या नजारा अभी देखने को मिल रहा है? क्या कुछ सुरक्षा का इंतजाम किया गया? क्योंकि 12 बजे ईडी के अधिकारी जो है सीएम आवास पहुंचेंगे सीएम से पूछताछ करने के लिए। देखिए, बिल्कुल सही कहा अनुष्का आपने कि फिलहाल मुख्यमंत्री आवास की सुरक्षा व्यवस्था जो है वो कड़ी कर दी गई है और मैं सीधे आपको तस्वीरों में दिखाता हूँ कि किसी भी लॉ एंड ऑर्डर की समस्या से निपटने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। आप देखिए कि रांची के कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास की यह तस्वीर जहाँ पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था जो है वो की गई है। फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां हैं वो मंगा ली गई है, साथ ही वाटर कैनन जो वैन है वो मंगाया गया है। काफी संख्या में सुरक्षा कर्मियों की जो है वो तैनाती कर दी गई है। किसी भी व्यक्ति को अंदर से बाहर जाने की फिलहाल अनुमति नहीं दी जा रही है। जो व्यक्ति सीएम हाउस में रोजमर्रा की तरह जो है वो जाते हैं वैसे लोगों पर जो है वो लगातार नजर रखी जा रही है और जिला प्रशासन के जितने बड़े अधिकारी हैं लगातार सीएम हाउस पहुंच रहे हैं और व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। बिल्कुल सत्यव्रत, और महिला पुलिस कर्मियों की भी तैनाती की गई है, इसको लेकर भी क्या कुछ बातें आ रही है सामने? पुरुष और महिला दोनों बटालियन की जो है वो तैनाती की गई है और ईडी ऑफिस से लेकर मुख्यमंत्री आवास तक करीब 900 से ज्यादा अतिरिक्त सुरक्षा बल जो है उनकी तैनाती की गई है। आपको पता है अनुष्का कि मुख्यमंत्री आवास और मुख्यमंत्री की जो सुरक्षा है वो स्पेशल ब्रांच के लोगों के हवाले होती है और वैसे में काफी संख्या में स्पेशल ब्रांच। सत्यव्रत, आपकी तस्वीरें जो है वो तकनीकी खामियों की वजह से स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही है। कैमरामैन से आग्रह कीजिए कि थोड़ा फोकस करके जो है तस्वीरों को दिखाए। तो आपको बताया गया रांची सीएम आवास से हमारे संवाददाता सत्यव्रत जो है आपको अभी लाइव तस्वीरें दिखा रहे थे कि किस तरीके से पुलिस बलों की तैनाती की गई है सीएम आवास के बाहर। आपको बता दें कि आज ईडी के अधिकारी पहुंचने वाले हैं सीएम आवास उनसे पूछताछ करने के लिए जमीन घोटाले मामले में और इसी को लेकर आपको बता दें कि सीएम आवास से लेकर ईडी के ऑफिस तक 900 पुलिस बलों की तैनाती की गई है।
तो चलिए फिर से हम अपने संवाददाता सत्यव्रत के पास जाते हैं। सत्यव्रत, क्या कुछ तस्वीरें? देखिए बिल्कुल, मैं आपको सीधी तस्वीरें दिखाता हूं कि फिलहाल सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए वाटर कैनन की जो वैन है वो मंगा ली गई है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जो है वो मंगा ली गई है, और करीब 900 से ज़्यादा अतिरिक्त पुलिस बल की जो तैनाती है वो ईडी दफ्तर से लेकर मुख्यमंत्री आवास और उस दौरान जो सड़कें हैं वहाँ पर जो है वो की गई है। फिलहाल लगातार जिला प्रशासन के जितने बड़े पदाधिकारी हैं वो पहुँच रहे हैं सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए। सीएम हाउस के पास सुरक्षा व्यवस्था ऐसी कि कोई परिंदा भी चाहकर जो है वो पर नहीं मार सकता है। आप देखिए काफी संख्या में जो जवान हैं उनकी तैनाती की गई है और स्पेशल ब्रांच के जो लोग हैं वो फिलहाल इस सुरक्षा व्यवस्था में मौजूद हैं। आपको पता है अनुष्का कि मुख्यमंत्री आवास और मुख्यमंत्री की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो स्पेशल ब्रांच के लोगों के जिम्मे होती है, और वैसे में आप देखिए कि काके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास का जो दूसरा गेट है वहां पर काफी संख्या में स्पेशल ब्रांच के जो लोग हैं वो तैनात हैं, जिला प्रशासन के लोगों की तैनाती की गई है, और जैप के जो जवान हैं वो मौजूद है। यानी कि पूरे सीएम हाउस के आसपास के इलाकों को छावनी के रूप में तब्दील कर दिया गया है, और अब से महज कुछ मिनटों बाद ईडी के जो अधिकारी हैं वो मुख्यमंत्री आवास पहुंचेंगे और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जमीन घोटाला संबंधित जानकारी लेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री के द्वारा उनके परिवार के द्वारा जो भी संपत्ति अर्जित की गई है उसका ब्यौरा जो है वो ईडी के अधिकारी जानना चाहेंगे। साथ ही जानना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री के इनकम का, आय का, आर्थिक स्रोत क्या है। तो इन सभी जानकारी को लेकर अब से कुछ मिनटों बाद जो है वो ईडी के अधिकारी मुख्यमंत्री आवास पहुंचेंगे, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ की जाएगी, और जो ईडी के दर्जन भर से ज्यादा अधिकारी मुख्यमंत्री आवास पहुंचेंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ करने के लिए, जमीन घोटाला मामले में उनका बयान दर्ज करने के लिए, उनके टीम में कई ऐसे बड़े अधिकारी भी शामिल हैं जो कि दिल्ली से रांची पहुंचे हैं। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता कर दी गई है ताकि कोई भी व्यक्ति, खासकर जो प्रदर्शनकारी है, वो मुख्यमंत्री आवास के आसपास भटकने ना सके। आपको पता है कि आज के इस कार्रवाई को लेकर खासकर झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल के जो लोग हैं, आदिवासी संगठन के जो लोग हैं, उनमें काफी आक्रोश है, और पिछले 24 घंटे पहले भी आदिवासी संगठनों ने इसका आक्रोश जो है वो जताया है। राजभवन मार्च किया गया था और उस दौरान जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है कि कोई भी प्रदर्शनकारी, कोई भी समर्थक जो है वो इस ईडी के कार्रवाई के दौरान कानून अपने हाथ में ना ले। इसे लेकर जिला प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर रखी है। फिलहाल अब इंतजार है कि कब ईडी के अधिकारी मुख्यमंत्री आवास पहुंचते हैं और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जमीन घोटाला मामले, उनके इनकम के सोर्स और उनके द्वारा, उनके परिवार के द्वारा जो संपत्ति अर्जित की गई है उससे संबंधित जानकारी ले सकें। बिल्कुल सत्यव्रत, अब इंतजार है 12 बजे का कि जब ईडी के अधिकारी पहुंचेंगे सीएम आवास और पूछताछ होगी तो क्या कुछ बातें सामने आएगी। और फिलहाल जिस तरीके से सुरक्षा की व्यवस्था पुख्ता की गई है, बिल्कुल देखकर लग रहा है कि कोई भी परिंदा वहां पर नहीं मार सकता है, क्योंकि बहुत ही पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ईडी ऑफिस तक जो सुरक्षा के इंतजाम काफी पुख्ता किए गए हैं, और ये बहुत ही कड़ा सुरक्षा जो है सीएम को लेकर है, क्योंकि ईडी के अधिकारी जिस तरीके से पहुंचने वाले हैं, और इसमें ये भी बातें जो आपने कही कि दिल्ली से भी कुछ अधिकारी इसमें शामिल हो रहे हैं, तो बिल्कुल आज का दिन बेहद ही बड़ा है और सीएम हेमंत सोरेन के लिए खासकर आज का दिन बेहद ही बड़ा। अब इंतजार 12 बजे का है। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए सत्यव्रत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।